नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदित्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचकर शहीद प्रदीप पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शहीद जवान प्रदीप पटेल कटनी जिले के विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के हरदुआ कला गांव के रहने वाले थे। गौरतलब है कि सिक्किम के पाक्योंग में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे, उनमें से एक प्रदीप पटेल भी थे। शहीद की पार्थिव देह सेना के वाहन में कटनी के हरदुआ कला गांव ले जाई गई है, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे लिए बड़ी दुखद घटना भी है, लेकिन देश और सेना पे हमें सदैव गर्व रहेगा। हमारे जवान शांति का हो या दुकाल अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और देश की हिफाजत में अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं। 5 तारीख के दिन एक बड़ी घटना घटी, इसमें हमारे 4 बहादुर जवानों की शहादत हुई है। उसमें मध्य प्रदेश के कटनी विजय राघवगढ़ गांव के पहरदोला नामक गांव के रहने वाले हमारे स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी का वीरगति को प्राप्त हुए। मैं आज स्वयं खजुराहो एयरपोर्ट पर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मैंने खेद व्यक्त भी किया और दुख व्यक्त करते हुए परमात्मा से कामना की कि जो पुण्य आत्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे। ऐसे बहादुर जवानों को जीवन भर हम सब याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये की जो हमारी धनराशि है, वो उनके चूँकि विवाहित नहीं होने से उनके माता पिता को समर्पित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। दुख की इस बेला में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है।